हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ एसएन, यू वाचिंग टेक फेयर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले आज से मैंने बताया था आप लोगों की रियल मी यू आई कैसे 0.3 अपडेट आया है, उसका फीडबैक मैं दूंगा। क्योंकि जो पहले अपडेट था 0.2 अपडेट, उसके बाद बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आया था, बहुत सारे लोगों को नहीं, मुझे भी आया था। उसके बाद इमिडिएटली रियलमी ने 0.3 का एक अपडेट दिया है। तो इस अपडेट में क्या क्या इम्प्रूव हुआ है और आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, सब कुछ मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले बताते हैं 0.2 अपडेट में हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या देखने को मिला था। सबसे पहले आया था ऐप जो क्रैश है उसका प्रॉब्लम, उसके बाद बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम, उसके बाद हीटिंग इशू, रैम मैनेजमेंट, वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो देखने को मिला था हमें, जो मेजर प्रॉब्लम थे। तो ये सब कुछ फिक्स हुआ या नहीं, कहाँ तक फिक्स हुआ, सब कुछ मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐप क्रैश की। और एक था उसमें बूट एनिमेशन का भी प्रॉब्लम था, कि बीच बीच में हमें रियलमी पावर ऑन ऑफ का बूट एनिमेशन आ जाता था। तो ये सब कुछ फिक्स हुआ या नहीं, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या था कि ऐप क्रैश का जो प्रॉब्लम था सबसे ज़्यादा, ये ऐप क्रैश का प्रॉब्लम फुल फिक्स कर दिया 0.3 अपडेट में। उसके बाद हमें क्या आ रहा था कि बैटरी ड्रेन का इशू। बैटरी ड्रेन के इशू के बारे में बता दूँ, पहले आप लोग जो कलर हुए इसमें जितने बैटरी बैकअप देखते थे उतना ही बैकअप आज भी मिल रहा है, लेकिन 0.2 अपडेट के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। और पहले अपडेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, वो कलर हुए इसके फाइल के साथ मर्ज नहीं हुआ था सही से। उसके बाद वो मैंने बताया था जैसे फिक्स हो गया था, लेकिन 0.2 के बाद थोड़ा सा ड्रेन का इशू देखने को मिला था। अब 0.3 के बाद जो अपडेट आया, उस अपडेट में जो बैटरी ड्रेन का इशू फिक्स हो गया। उसके बाद बात करते हैं हम बूट एनिमेशन की। जो बीच बीच में रियलमी का लोगो आ जाता था, जैसे पावर ऑन के ऑन करने के बाद जो एनिमेशन था, वो एनिमेशन क्या हो गया, फिक्स कर दिया। अब ऐसा कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है, 7 दिन से मुझे नहीं मिल रहा है। उसके बाद बात करता हूँ मैं हीटिंग इशू के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, मतलब ठंड के मौसम जो था वो ख़त्म होकर गर्मी के मौसम आ रहा है। तो गर्मी के मौसम पे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा हीट होता है, क्योंकि इस टाइम पे वेदर का जो टेम्परेचर ये ज़्यादा रहता है। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ, यहाँ का टेम्परेचर 34-33 टेम्परेचर होता ही होता है। तो इसी टेम्परेचर में मोबाइल फ़ोन का टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा हाई हो जाता है, हीट हो जाता है मोबाइल फ़ोन। तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल फ़ोन हीट हो रहा है, एक्चुअली वो हीट नहीं होता है। तो चार्जिंग के टाइम पर थोड़ा बहुत अभी भी हीट हो जाता है, जो पहले नहीं था, रियलमी के बुक चार्जर के साथ ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो गर्मी का टाइम है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको हीट महसूस हो रहा है। उसके बाद बात करता हूँ रैम मैनेजमेंट के। रैम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम था वो भी फुल फिक्स नहीं हुआ अभी तक, अभी तक फुल फिक्स नहीं हुआ, 70% तक फिक्स हो गया, अभी थोड़ा सा अच्छा हो गया रैम मैनेजमेंट की। उसके बाद बात करते हैं वायरलेस कनेक्टिविटी की। अगर आप ब्लूटूथ एयरफोन्स वगैरह जैसे एयरपोर्ट के जैसे एयरपोर्ट्स अब यूज़ करते हैं, तो उसमें कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम था पहले कुछ ज़्यादा ही स्लो था, 0.2 अपडेट में कुछ ज़्यादा स्लो था, अभी के अपडेट में ये 70-80% तक ठीक हो गया। लेकिन वायरलेस कनेक्टिविटी जो इतना फास्ट नहीं है कि हमारा जो लिपसिंग है उसके साथ फुल टू फुल फिक्स हो, मतलब फिक्स है। जैसे हम यहाँ से बात करें, अगर वायरलेस कनेक्टिविटी है तो हमारे लिपसिंग के साथ फुल टू फुल मिक्स नहीं होता है। तो अभी ऐसा कुछ गानों में भी दिखाई देता है, क्योंकि गाना जो रिकॉर्ड होता है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग लिरिक्स भी जो एक्टर्स होता है वो नहीं बताया जा सकता। जैसे यूट्यूब वीडियोस होता है, जैसे हम लोग माइक लगा के करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत अगर आपको देखने को मिलता है तो उस बात में आप बता सकते हो कि कनेक्टिविटी स्लो होता है। और आजकल के जो वायरलेसली हेडफोन्स या एयरफोन्स आ रहे हैं उसका इतना ज़्यादा स्पीड नहीं है, थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, अभी एक नया और एक मैं बता दूं कि इस यूआई में जो है रियलमी को डार्क मोड पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना चाहिए। जो डार्क मोड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, कुछ कुछ एप्लीकेशंस में जो है वो डार्क मोड नहीं करता है, या फोर्स कुछ करना चाहिए जो यूआई में होता है, कुछ ऐप्स जो होता है उसको कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि रियलमी को इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए, डार्क मोड में इतना ज़्यादा खास इंप्रूवमेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, इस अपडेट के बाद मुझे एक प्रॉब्लम देखने को मिला इन 7 दिनों में। जो मेरा फ़ोन था जब मैंने लिया था, उसमें मैंने 64 GB का एक मेमोरी इंसर्ट किया हुआ था, मेमोरी कार्ड जो सैमसंग का था, उस मेमोरी कार्ड में मैंने कुछ वीडियोस वगैरह रखा हुआ था, मतलब मेरे स्टोरेज में मेमोरी कार्ड में कुछ वीडियोस सॉन्ग्स वगैरह थे। तो मैंने एक दिन क्या किया, बीच में अपडेट के बाद मैंने मेरा गैलरी ओपन किया, मैं वीडियो गाना सुनने के लिए जा रहा था। तो उस टाइम क्या देख रहा था कि मेरा वीडियो सॉन्ग्स वगैरह कुछ नहीं था, तब मैं फाइल में गया, मैंने सोचा कि डिलीट कर दिया, मैंने फाइल में जाके देखता हूँ। फाइल में जाने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पे मेरा मेमोरी कार्ड का ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, फ़ोन को दोबारा रिबूट किया, उसको निकाल के मतलब एक बार निकाला फिर इंसर्ट किया, करने के बाद मैंने रिबूट किया, उसके साथ साथ मेमोरी कार्ड आ गया। तो मुझे एक ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला था, शायद ये हो सकता है इस अपडेट के साथ ऐसा हुआ हो,
लेकिन आप लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ वो बताना मुझे। लेकिन बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे रियलमी यू आई का 0.3 अपडेट में फिक्स हो गया। आप अभी बिना टेंशन के 0.3 अपडेट कर सकते हो। अपडेट करने के बाद आपको पहले से थोड़ा सा 0.2 से जो अपडेट था बहुत बेटर आपको स्मूथनिंग मिलेगा इसमें, ठीक है। तो मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में, जो मैंने खुद से महसूस किया, मैंने किसी से पूछा नहीं और किसी और का फीडबैक भी नहीं लिया, मेरा जो खुद का फीडबैक था जो मैंने महसूस किया मेरे साथ जो जो हुआ जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैंने आपको बताया। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ, आप अभी अपडेट कर लो, पहले से बेटर थोड़ा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अपडेट कर लेना। और पबजी का जो साउंड का प्रॉब्लम था वो पबजी का साउंड का भी प्रॉब्लम फिक्स हो गया। ओके, बाकी अगर मैंने कुछ भी मिक्स कर दिया तो कॉमेंट में बताना, मैं कॉमेंट में रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आप जाके अभी अपडेट कर लो और एंजॉय करो नया स्मूथनिंग जो आया है रियलमी यूआई में, जो XT में जो आया वो आप एंजॉय करना। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपका मर्जी, आप कर सकते हो। अगर भाई के काम पसंद आता तो लाइक कर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।